डिटेरियोरेट हो जाएगी. वी वॉन्ट दैट पब्लिक शुड ऑलवेज स्टैंड इन फेवर ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन. वी डोंट वॉन्ट दैट पब्लिक शुड कम एज अ प्रोटेस्ट एंड पब्लिक शुड लाइक बायकॉट विद आर प्रोडक्ट. दिस शुड नॉट बी हैपनिंग एवरी टाइम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट is viewing the scene in the market, is viewing the relationship of its company with the other parties, with the outside parties. So it becomes imperative, means it becomes very important to manage public opinion and company's relationship with the public. Therefore, public relations involve a variety of programs designed to protect a company's image in the eyes of public. डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम ये डिपार्टमेंट करता रहता है ताकि हमारी कंपनी की एक अच्छी इमेज बने पब्लिक के सामने. गरीब लोगों की लड़कियों की शादी करवा दी, उसमें कोई गिफ्ट अनाउंस कर दिए, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, एजुकेशन से रिलेटेड स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी, उनके लिए बुक्स खरीद दी, उनके स्कूल की फी पे कर दी, रोड साइड के ऊपर प्लांटेशन करवा दी. दीज आर सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. And for that, you are just propagating your activity in the newspaper. Daily newspaper में आपकी कंपनी से related कोई ना कोई news रहती है. And that is good. Society की welfare के लिए आप करते हैं, society की wellness के लिए आप करते हैं. So in that way, you are creating a good image in the eyes of public, right? So business relates with the number of groups. हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनके सामने भी हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए. हमारे सप्लायर्स हैं, जिनसे हम उधार पे या कैश में सामान खरीदते हैं. हमारे इंटरमीडियरीज हैं, वो रिटेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर और डीलर्स हो सकते हैं. एक्टिविस्ट ग्रुप मैंने आपको पहले से ही बता दिया. हु आर द एक्टिविस्ट ग्रुप? एक्टिविस्ट ग्रुप्स आर योर एनजीओस, ठीक है. गवर्नमेंट के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, मैंने लिख ही दिया था. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव सपोर्ट ऑफ मिडल मैन इज नीडेड. अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और अगर आप अपने सामान की ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहते हैं तो आपके अपने रिलेशन के रिटेलर के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए. सिमिलरली, अगर कोई कंज्यूमर फोरम है या कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविस्ट ग्रुप काम कर रहा है तो आपने उसे भी सेटिस्फाई करना है. अदरवाइज वो आपके अगेंस्ट न्यूज पेपर में छपवा देगा कि आपका सामान घटिया किस्म का है, मिलावटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उस कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप को भी आपने सेटिस्फाई करना है, उसके साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस होने चाहिए. अदरवाइज दे विल इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ आर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बाय अर्जिंग कंज्यूमर टू रिफ्रेन. वो लोगों को कन्विंस करेंगे कि इस कंपनी का सामान मत खरीदो, ठीक है. दे विल रिस्ट्रिक्ट और दे विल रिस्ट्रेन द कंज्यूमर्स फ्रॉम बाइंग द प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी. हाँ, देयर मेन टास्क इज टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड बिल्ड गुडविल अबाउट द बिजनेस. अपनी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन बनाना, अपनी कंपनी की अच्छी गुडविल बनाना, यही हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है. कंक्रीट स्टेप्स आर टू बी टेकन टू मॉनिटर द एटीट्यूड ऑफ द जनरल पब्लिक. हर आए दिन वो लोगों के ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं. दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम क्वेश्चनेयर. You may get them filled from the general public, or आप secretly लोगों का opinion जानने की कोशिश करते हैं कि लोग आपकी company के बारे में क्या सोचते हैं. They are specially useful when there is a negative, जैसे मैगी के केस में हुआ था. जब negative publicity हो जाती है तो उस केस में उस negative publicity को improve करने के लिए, उसे positive publicity में convert करने के लिए हमारा public relation department works a lot. At the time the situation has to be tackled. Like an emergency to improve, उस सिचुएशन को emergency सिचुएशन की तरह ट्रीट करना है. और हमारी मार्केट में हमें अपनी रेपुटेशन इमेज को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, राइट. हैज टू डू ड्रास्टिक चेंजेस सो दैट द डैमेज टू कंपनीज इमेज इज कंट्रोल्ड एंड मिनिमाइज. दे टाइम टू टाइम ये टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करते हैं टू अडॉप्ट सर्टेन प्रोग्राम्स व्हिच विल ऐड टू देयर पब्लिक इमेज एंड इंश्योर दैट नेगेटिव पब्लिसिटी डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल. तो लोगों के मन में जो गलत धारणा बनी है हमारी कंपनी को लेके, लोग समझते हैं कि ये चीटर है, ये कंपनी अच्छी नहीं है, लोगों के वेलबींग के बारे में नहीं सोचती, वो सारे विचार बदलने के लिए ये टाइम टू टाइम, ये जो डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन का, ये टाइम टू टाइम हमारे टॉप मैनेजमेंट को सलाह देता रहता है, कंसल्टेशन देता रहता है, राइट. Now come to the role of public relation. So role of public relation can be discussed with respect to the functions. Chahe paper mein aa jaye functions, chahe aa jaye
पेपर में रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन यू हैव टू आंसर सेम. प्रेस रिलेशन, आपके हमेशा मीडिया पर्सन के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए, मींस मीडिया शुड बी इन योर हैंड. मीडिया किसी भी किस्म में कोई भी गलत न्यूज आपसे पूछे बिना, आपसे इंक्वायर किए बिना प्रिंट ना करवाए, ना ही टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो. मींस हर चैनल के साथ आपके अच्छे लिंक्स होने चाहिए. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ योर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. जो भी प्रेस के पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जाती है, क्योंकि हमारे प्रेस में लिंक्स हैं, हमारे मीडिया में लिंक्स हैं, तो वो पहले हम लोगों से पूछते. वैसे भी फेक न्यूज दे कांट, विदाउट एनी एविडेंस एंड विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी, दे आर नॉट सपोज टू टेलीकास्ट एनी न्यूज, दे आर नॉट सपोज टू प्रिंट एनी टाइप ऑफ न्यूज. तो अगर आपके अच्छे लिंक हैं, या तो वो न्यूज दबा लेंगे या वो आपसे पहले पूछेंगे फिर वो प्रिंट करेंगे या टेलीकास्ट करेंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेस रिलेशन. Whatever he is writing, that is important. Word to word, we have to learn. Word to word, we have to read so that we will be able to answer any type of question he makes from these lines. Ultimately, कहाँ से पेपर आना है? NCERT में से तो आना है. So that's why I always prefer to open the book in the class and I tell you what line he can ask you in the form of the question. And same habit you have to maintain with you. Information about the organization needs to be presented. हमारी कंपनी की हमेशा न्यूज में अच्छी खबरें ही आए. Generating news requires skills in developing and researching a story and getting the media to accept a press release is a difficult task. कि लोग प्रेस रिलीज करने से पहले हम लोगों से पूछे और हमें उस स्टोरी को पढ़वाएं, है तो ये डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि प्रेस इन आर कंट्री इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी. ठीक है, प्रेस के पास अगर प्रूफ है तो वो कोई भी न्यूज प्रिंट कर सकते हैं बिना आपसे पूछे. इवन पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इज इन कॉन्टेक्ट विद मीडिया टू प्रेजेंट true facts and correct picture of the company, otherwise news can be distorted if taken for other from other source. agar media hum logo se nahi puchta, theek hai, agar hamare acche links nahi hain to koi khabar galat khabar bhi hamare bare mein galti se print ho sakti hai. to hamesha ye jo public relation department hai, public relation manager hai, public relation department ka head hai, uski duty banti hai, uska function banta hai कि वो प्रेस मीडिया के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन और लिंक्स एस्टैब्लिश करें. प्रोजेक्ट पब्लिसिटी, कुछ भी नया लॉन्च हुआ है इवन अपने पुराने प्रोडक्ट को भी पब्लिसाइज करना, दिस इज द मेन फंक्शन, दिस इज द मेन रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. न्यू प्रोडक्ट, इवन मैं पब्लिसिटी के बारे में एक एग्जाम्पल और दे सकती हूँ. लाइक व्हेनेवर दिस खतरों के खिलाड़ी वॉज अबाउट टू स्टार्ट ऑन द टेलीविजन, कलर्स पे आता है आई थिंक, तो कितनी ज्यादा पब्लिसिटी करी गई. तो पब्लिसिटी एपिसोड्स की भी हो सकती है, पब्लिसिटी वेब सीरीज की भी हो सकती है, पब्लिसिटी टीवी शोज की भी हो सकती है. कुछ भी नया लॉन्च होने वाला है कमिंग सून, ठीक है, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बना दी. इसी तरह से प्रोडक्ट अगर कोई नया लॉन्च होना है, मूवी की पब्लिसिटी होती है, मूवी के जो स्टार्स हैं वो डिफरेंट टीवी शोज में जाके उसकी पब्लिसिटी करते हैं, राइट. तो ये सारा अरेंज उनके लिए कौन करता है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के भी, ठीक है. सो दे कॉन्टेक्ट विद डिफरेंट टीवी शोज वेयर बाय द कास्ट ऑफ दैट सीरीज और दैट मूवी गोज एंड दे जस्ट पब्लिसाइज देयर अपकमिंग मूवी एंड एनी वेब शो एटसेट्रा, राइट. सो न्यू प्रोडक्ट्स रिक्वायर स्पेशल एफर्ट. नया प्रोडक्ट है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों के आगे अपनी इमेज बनानी है, एंड द कंपनी हैज टू स्पॉन्सर सच प्रोग्राम्स. ठीक है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, लाइक IPL चल रहा है तो अपने नए प्रोडक्ट की होर्डिंग साइड पे मैच की बाउंड्री पे लगा दी. दिस इज व्हाट इस तरह के प्रोग्राम्स और इवेंट्स आप स्पॉन्सर करते हैं. द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट मैनेजेस द स्पॉन्सरिंग ऑफ सच इवेंट्स. द कंपनी कैन ड्रॉ द अटेंशन टू द न्यू प्रोडक्ट बाय अरेंजिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स लाइक न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड एग्जीबिशंस में भी आप अपने प्रोडक्ट की होर्डिंग लगा के, आप अपने प्रोडक्ट के पैम्फलेट और ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करके अपने नए प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कर सकते हैं. एंड दिस ऑल इज बीइंग डन बाय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. कॉर्पोरेट मींस कंपनीज, कम्युनिकेशन, ठीक है. अब किस किस पार्टी के साथ हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस किस को हम लोगों ने अपनी कंपनी के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना है. The image of the organization needs to be promoted through communicating with the public and the employees within the organization. Outside the organization, आपने public के साथ अच्छे relation रखने हैं. Within the organization, आपने अपनी company के employees के साथ अच्छे relations रखने हैं.
दिस इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ न्यूज़लेटर, एनुअल रिपोर्ट. आप अपने शेयर होल्डर्स तक अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो बाय एनुअल रिपोर्ट. आप अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखते हो, उनके साथ भी कम्युनिकेट करते हो थ्रू लेबर लीडर, ठीक है, उनके लेबर यूनियन का लीडर होता है, आप उनसे बातचीत करते हो. ऑडियो विजुअल वेट, जैसे दिल्ली सरकार ने अपने कुछ भी अच्छे काम के बारे में बताना है तो वो न्यूज चैनल्स के थ्रू अपनी एड देते हैं अपने प्रोग्राम्स की, ठीक है, कि हम लोगों ने दिल्ली में क्या क्या नया स्टार्ट किया और हमारा सक्सेस रेट कितना है एटसेट्रा. सिमिलरली दिस ऑल इज बीइंग डन बाय द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट. दिल्ली गवर्नमेंट की एक नई एड आनी शुरू हुई है भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नई खुल रही है, वेयर बाय दे विल बी लाइक प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरल स्किल, ठीक है, एंड दे आर इनवाइटिंग द एडमिशंस फॉर दैट यूनिवर्सिटी. कंपनीज दैट रिलाई ऑन दीज मटीरियल्स टू रीच एंड इन्फ्लुएंस देयर टारगेट मार्केट. अपने बारे में लोगों को बताना है पैम्फलेट्स ब्रोशर्स डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके. कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ट्रेड एसोसिएशन और ट्रेड फेयर्स में कोई अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपनी को लेके, तो दे आंसर दैट क्वेश्चंस इन दैट इवेंट्स. इवन इंटरव्यूज विद द टीवी चैनल्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट इंटरव्यू, बाय दैट ऑल्सो दे आर कम्युनिकेटिंग विद द मेंबर्स. Yes, students, this is a very, very important point. Fourth point, lobbying. Lobbying means you should have the good relationship with the government officials. Government officials ke saath aapke achche relations hone chahiye. Right? Lobbying. Let me underline it. The organization has to deal with the government officials and different ministers in charge of the corporate affairs, industry, में आपका उस इंडस्ट्री में आपका रोल होना चाहिए, आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. अपनी ही सिटी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड आईटीओ के साथ आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, कॉमर्स मिनिस्टर के साथ आपकी कंपनी का अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है. मेजर स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन आमतौर पर गवर्नमेंट भी जानने की कोशिश करती है, तो आप इन डिपार्टमेंट की मेंबरशिप भी ले सकते हो, ठीक है. While formulating industrial, telecom or taxation policy, government, business houses or big entrepreneurs से पूछती है. So public relation department has to be really proactive in promoting or decoding regulations that affect them. So government officials के साथ अच्छे relations maintain करके रखना, ये भी हमारे public relation department का important function है, I must say. Then we have counseling. किन की counseling करनी है? अगर मार्केट में कोई नेगेटिव पब्लिसिटी है तो उसे काउंसल करना है, उसे सुलझाने की कोशिश करनी है. सो दिस इज व्हाट ही मीन टू से. सो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट एडवाइसेस द मैनेजमेंट ऑन जनरल इशू विच इफेक्ट द पब्लिक एंड द पोजीशन ऑफ द कंपनी वुड लाइक टू डिटीरियोरेट. आपकी कंपनी की पोजीशन गलत बन रही है विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर इशू. So the company can build goodwill by contributing money and time to certain cause like environment issues hain, wildlife ko aap protect kar rahe ho, children's rights ko aap protect kar rahe ho, education separate karne mein government ki help kar rahe ho, to in bare mein salah deti hai hamari public relation ki team hamare management ko. Such cause related activities help in promoting public relation and building goodwill, right. Iske ilawa गुड रिलेशंस बनाने के अलावा फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करता है हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. बिल्डिंग अवेयरनेस, लोगों में अपने सामान को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना, अपनी एक्टिविटीज को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना, मींस लोग आपको जाने, लोग आपके एफर्ट्स को पहचाने. फॉर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स यू आर फ्रेमिंग बाय विच यू आर इन्फॉर्मिंग द पब्लिक व्हाट गुड यू आर डूइंग फॉर द कम्युनिटी. आप पूरी सोसाइटी के लिए क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं. लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर का हर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस परचेज में से वन रुपी गर्ल चाइल्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे, कुछ इस तरह से. यू आर पब्लिसाइजिंग योर एफर्ट, यू आर
building awareness among the public. Public relation department can play stories and dramatize short stories bana ke YouTube mein upload kar deni about the product. This will build marketplace excitement before the product reaches. हाँ, कुछ इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बनानी है, अभी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, पहले ही उसके बारे में, जैसे मैंने बोला मूवी अभी रिलीज हुई नहीं, उसके ट्रेलर या टीजर आते हैं, ठीक है ना, तो टीजर ऑलवेज क्रिएट एक्साइटमेंट ना, हाउ गुड द मूवी इज गोइंग टू बी, हाउ गुड दैट वेब शो इज गोइंग टू बी. टीजर्स हमेशा में एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं ऑडियंस में. एंड दिस ऑल इज बीइंग डन बाय विच डिपार्टमेंट? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. देन building credibility means again a good image. If news about a product comes in media, whether print or electronic, it always leads credibility. So aap apne product ke aane se pehle market mein uske bare mein news mein print karwa dete hain, to always it create a good image of the company. Stimulate sales force. Aap apne sales force ko commission deke unhe bolte hain aapne hamari zyada se zyada sale karwani hai, utni zyada hi aapki commission hogi. So it becomes easier for the sales force to deal with the retailers. आप उन्हें बोलते हैं आप retailers के साथ communicate करो, आप wholesaler के साथ communicate करो, आप हमारी sale बढ़ाने में हमारी help करो. तो sales force को भी आप induce करवाते हैं, आप उन्हें भी insight करवाते हैं, so that they can help you to sell your products more and more. Yes. Next, lowers promotion cost. इतना कुछ करना है, लेकिन ये department ये भी mind में रखता है कि cost कम से कम हो और benefit ज़्यादा से ज़्यादा हो. कॉस्ट किस चीज की? एडवर्टाइजमेंट की. ये सारी चीजें पब्लिसाइज करने की, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अपने प्रोडक्ट के बारे में एड देने के ऊपर कम से कम खर्चा हो लेकिन बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो. सो मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन कॉस्ट मच लेस देन एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट में. हाउएवर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स टू कन्विंस द मीडिया टू गिव स्पेस फॉर टाइम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट. मीडिया में आप के सामान को जगह मिले, टाइम मिले, अगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं तो आपके प्रोडक्ट के बारे में टाइम मिले ऐड देने को. दिस ऑल इज बीइंग इंश्योर्ड बाय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. सो हियर वी एंड्स अप विद द फंक्शंस ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट. व्हाट एल्स इज बीइंग लेफ्ट? दैट इज ऑन द लास्ट पेज. दीज टू टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी डन विद, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग. ठीक है, सो दीज आर टू प्रमोशनल टूल्स. वहीं पे उसे बता देना चाहिए था, लेकिन एंड में उसने एक बॉक्स में हमें दोनों में डिफरेंस बता दिया. अगर मैं एडवर्टाइजमेंट की बात करूं तो इट इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज कंपनी और द सेलर नेवर कम्स इनटू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बायर. इफ आई टॉक अबाउट द पर्सनल सेलिंग, सो इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज मैसेज. सेम मैसेज होता है सबके लिए, कोई भी देख ले टीवी में, सबके लिए सेम मैसेज है. लेकिन पर्सनल सेलिंग में सेल की जो कन्वर्सेशन होती है वो बायर के अकॉर्डिंग हमारा सेल्समैन चेंज कर लेता है. जिस तरह का बायर उसके पास आता है वो उसकी भाषा में ही उसके साथ बात करता है. एडवर्टाइजमेंट एक बार बन जाती है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, बट पर्सनल सेलिंग इज अ टूल विच इज हाईली फ्लेक्सीबल बिकॉज मैसेज कैन बी एडजस्टेड, योर कन्वर्सेशन कैन बी एडजस्टेड एज पर द डिमांड, एज पर द नीड ऑफ द बायर. एडवर्टाइजमेंट एक बार बनती है तो लाखों करोड़ों तक पहुंचती है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में एट अ टाइम आप एक ही बंदे के साथ डील कर सकते हैं, एक से ज्यादा कस्टमर्स को आप अटेंड नहीं कर पाते. इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर पर्सन इज वेरी लो, वहां पे कॉस्ट पर पर्सन इज वेरी हाई बिकॉज यू हैव टू गिव द इंडिविजुअल टाइम टू द इंडिविजुअल बायर. एडवर्टाइजमेंट मेक्स यूज ऑफ मास मीडिया. एडवर्टाइजमेंट किसके थ्रू होती है? टेलीविजन, रेडियो, न्यूज पेपर, जर्नल्स और मैगजीन के थ्रू. पर्सनल सेलिंग मेक्स यूज ऑफ सेल्स स्टाफ, सेल्स मैन जो होते हैं उन्हीं के थ्रू पर्सनल सेलिंग होती है. एडवर्टाइजमेंट में हमें डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता, हमें पता नहीं है हमारे एफर्ट कितने लोगों तक पहुंचा, लेकिन पर्सनल सेलिंग में बंदे की फेस रिएक्शन देख के हमें पता चल जाता है उसे मेरा दिखाया हुआ सामान पसंद आ रहा है कि नहीं. एडवर्टाइजमेंट इज मोस्ट यूजफुल इन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर क्योंकि एनिमेशन और ग्राफिक्स हैं तो लोग ध्यान से एड भी देखना पसंद करते हैं अगर एड अच्छी बनी है. पर्सनल सेलिंग प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन अवेयरनेस स्टेज. अगर कोई नया सामान लॉन्च हुआ है तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, हम उन्हें वो सामान खरीदने के लिए परसुएड कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट इज मोर यूजफुल इन द मार्केटिंग टू द अल्टीमेट कंज्यूमर हु आर लार्ज इन नंबर. अगर लाखों करोड़ों लोगों तक एक बार में ही पहुंचना है तो एडवर्टाइजमेंट इज द राइट ऑप्शन. पर्सनल सेलिंग इज मोर हेल्पफुल इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स टू द इंडस्ट्रियल बायर जिनके नंबर ऑफ बायर्स क्या है लिमिटेड है, और इंटरमीडियरीज को सामान, डीलर्स को सामान, रिटेलर्स को सामान बेचा जाता है पर्सनल सेलिंग के थ्रू बिकॉज दे आर फ्यू इन नंबर.
when your market is large enough, your consumers are large in number, then advertisement is the right option. So here we read the last page of the chapter, right? Any confusion from your side, you may ask. Any doubt from your side, you may ask. किसी को कुछ पूछना है? Otherwise, from my side, it is going to be over. Rest of the things we will continue tomorrow. Right, starting वाले page में role of marketing we have left with. Again, that is a reading portion. We will read it in the class. Society को क्या benefit है? Firm को क्या benefit है? Role of marketing we will do. सिर्फ वही topic रहता है. बाकी rest of all the things except the objection to the advertisement that only we left because वो syllabus में नहीं है. Syllabus में से delete हो चुका है. So see you tomorrow at the same time.